So are you okay? Oh, Veena. आ गई तुम. पता नहीं क्या हुआ, मैं बाथरूम में गया और कुछ चक्कर सा आ गया. सर, मैं डॉक्टर प्रसाद को फोन करके बुला लेती हूँ. नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ. सर प्लीज. आई एम ओके वीणा. पहले तुम ये बताओ कि कल जो इक्वेशन सिस्टम में रन करी थी उसका कुछ एनालिसिस आया या नहीं? यस सर, वो फेल हो गई, राइट? सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी. हाँ बोलो. क्या है भाई? नासा? तुम्हारी फेलोशिप एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई. दैट्स गुड, दैट्स गुड. भाई ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, प्लीज आप बुरा मत मानिएगा. कैसी बात करती हो वीणा, मैंने आज तक तुम्हारी किसी बात का बुरा माना है? सर, आप प्लीज अपनी रिसर्च बंद कर दीजिए. मतलब बाकी दुनिया की तरह तुमने ही मुझ पर पागल साइंटिस्ट का लेबल लगा दिया. ऐसा नहीं है, और आप जानते हैं आपको असिस्ट करके मैं बहुत सीखी हूं. बट इट्स टाइम टू स्टॉप नाउ सर. अब आपको प्रॉपर मेडिकल केयर की जरूरत है. आप प्लीज अपने आप को किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा के अपना इलाज करवाइए. इलाज? तुम भी अच्छी तरह जानते हो वीणा कि दुनिया के किसी भी अस्पताल में मेरा इलाज नहीं किया जा सकता. इलाज के नाम पर मुझे एक आईवी ड्रिप लगाकर अस्पताल के किसी कोने में मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा. बस जिंदगी के आखिरी कुछ समय मैं एक कैदी की तरह बिताना चाहता. सर, आप इतने पेसिमिस्टिक क्यों हो रहे हैं? एटलीस्ट गिव द डॉक्टर्स अ चांस. आई एम नॉट अ पेसिमिस्ट, आई एम अ रियलिस्ट. अच्छा तुम बताओ, इस घर की एक डुप्लीकेट चाबी अपने पास क्यों रखती हो? वो तो इसीलिए क्योंकि आप जब काम में बिजी हो और मैं आऊं तो आपको डिस्टर्ब ना करूं, इसीलिए. नॉनसेंस, मैं बताता हूं. क्योंकि कल को अगर मैं दरवाजा ना खोलूं तो कोई तो हो जो लॉक खोलकर मेरी लाश को बाहर निकाल सके. सर प्लीज. देखो वीणा, मैं पिछले 30 साल से इस रिसर्च पे लगा हूं. बार बार वही फेल टेस्ट, वही नाकामी. कितने असिस्टेंट आए और गए, लेकिन तुम पहली हो जो पिछले 5 साल से टिकी हो. और अब ये तुम्हारा सपना है, और अब मौका इस सपने को पूरा करने का. बिना किसी गिल्ट के जाओ, मेरी चिंता छोड़ दो. I don't know what to say. क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? Actually हाँ, एक आखिरी assignment है मेरे पास तुम्हारे लिए, करोगी? Of course sir. एक पार्टी देना चाहता हूँ मैं. पार्टी? हाँ भाई पार्टी, और ये पार्टी होगी कुछ खास मेहमानों के लिए. पिछले काफी दिनों से मैं इस बारे में सोच रहा था, और अब जब तुम जा रही हो तो लगता है शायद यही सबसे सही समय है. Professor Bakshi cordially invites you to a one-of-a-kind gathering of friends across time, a party for time travelers. Sir, ये एक experiment है,
इस इनविटेशन को सोशल मीडिया और सभी साइंटिफिक फोरम पे पब्लिश करना है। I don't get it, sir. हाँ जानता हूँ थोड़ा अजीब है, मगर अब और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तुम तो जानती हो मैं कभी ये प्रूव नहीं कर सका कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, लेकिन अगर ऐसा भविष्य में पॉसिबल है तो शायद वहीं से आया हुआ कोई इंसान हमें इसका सबूत दे सके। लेकिन सर, अगर इस इनविटेशन को पढ़कर कल कोई पार्टी अटेंड करने आता भी है तो इससे प्रूफ क्या होता है? यही कि वो कोई मामूली इंसान नहीं होगा, क्योंकि हम ये पार्टी रखेंगे कल, लेकिन इस इनविटेशन को तुम आज नहीं, कल नहीं, इस इनविटेशन को तुम पब्लिश करोगी परसों, यानी कि पार्टी के ठीक एक दिन बाद। सो दिस इज एन इनविटेशन टू अटेंड अ पार्टी इन द पास्ट? एग्जैक्टली। अगर कल कोई इस इनविटेशन को देखकर ठीक शाम 6 बजे यहां आता है तो वो सिर्फ भविष्य से आया हुआ टाइम ट्रैवलर ही हो सकता है, समझी? और आपको लगता है कि कल कोई आएगा? भाई उम्मीद तो है। देखो अगर मुझे कोई ऐसा इनविटेशन आया होता और अगर मैं जा पाता तो जरूर जाता। दिस इज लाइक अ फ्लाइट ऑफ फैंटेसी। नो No, my dear, it's not a flight of fantasy. It's a leap of faith. बस एक आखिरी कोशिश। और हाँ, ये काम मैं तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकता। तो बोलो, करोगी मेरे साथ ये आखिरी असाइनमेंट? Of course, sir.
थैंक यू. आई एम सॉरी मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई. आपने कोऑर्डिनेट्स तो सही बताए थे बट आपके यहाँ के आउटडेटेड जीपीएस सिस्टम ने मुझे आपके घर के पीछे वाली गली में एक सिगरेट शॉप पर भेज दिया. फर्स्ट टाइम देखी मैंने सिगरेट शॉप. पहले सोचा एक ट्राई करूँ. देन आई थॉट देयर मस्ट बी अ गुड रीजन दैट पीपल डोंट स्मोक दीज डेज. वेल इन माय टाइम एटलीस्ट. आपकी तारीफ जी. वेल अगर आप करना चाहते हैं तो आई डोंट माइंड इवन दो इट्स अ लिटिल ऑकवर्ड. He's asking you to introduce yourself. Oh, I'm so sorry. Actually, यहाँ आने से पहले 6 महीने तक लैंग्वेज प्योरिफिकेशन की ट्रेनिंग ली है मैंने बट प्योर हिंदी में अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. मेरा नाम तो मुझे आपको बताने की परमिशन नहीं है बट ऑफिशियली आई एम नोन एज TA-229. TA? टाइम एजेंट. मैं एक गवर्नमेंट कंट्रोल टाइम ट्रेवल एजेंसी का हिस्सा हूँ. हमारे हर एजेंट को उसके डेस्टिनेशन कोड के बेसिस पे एक यूनिक आईडी इशू किया जाता है. 22nd September, मेरा डेस्टिनेशन कोड 229. Really? How convenient. Oh, it is. Easy to remember. वैसे आप किस एरा से आई? I'm not a guest. I'm the host. Oh, sorry. Actually, invitation में आपका नाम नहीं था ना. It had a Professor Bakshi's name, जो मैं assume कर रहा हूँ सर आप हैं. Invitation. तुमने वो invitation कहाँ देखा? The internet, as you still call it. आप लोगों ने अच्छा किया जो इनविटेशन को ऑनलाइन पब्लिश किया. थैंकफुली द एंटायर वर्ल्ड वाइड वेब ऑफ योर टाइम इज एक्सेसिबल इन द फॉर्म ऑफ आर्काइव्स. एक्सट्रैक्शन और कन्वर्जन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है बट एटलीस्ट ऑल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल. आई कैन टेल यू क्या होता है जब हमें प्री इंटरनेट एरा में किसी ट्रिप पर जाना पड़ता है तो सच अ पेन. कहाँ है वो इन्विटेशन दिखाओ मुझे. सर क्या है कि अब हम प्रिंटिंग में पेपर का यूज नहीं करते और जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं टू एक्सेस डॉक्यूमेंट्स वो अभी आपके एरा में इन्वेंट नहीं हुई है. सो देयर वाज रियली नो वे फॉर मी टू ब्रिंग अ कॉपी ऑफ योर इनविटेशन. सॉरी टू ब्रेक योर स्टेयरिंग एक्सरसाइज बट कैन आई गेट अनदर ग्लास ऑफ वाटर प्लीज. माय थ्रोट इज गेटिंग एक्सट्रीमली ड्राई हियर फॉर सम रीजन. थैंक यू. वैसे डोंट माइंड बट हमारे एरा में पार्टीज इससे थोड़ी सी ज्यादा लाइवली होती हैं. देखिए सर मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूं. आप मेरे एक टाइम ट्रैवलर होने का डेफिनेट प्रूफ चाहते हैं जो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको दे नहीं सकता. हम बहुत रेगुलेटेड मैनर में ये ट्रिप्स प्लान करते हैं. बहुत सारी रेगुलेशंस और गाइडलाइंस हैं जो मुझे फॉलो करनी पड़ती हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई कैन एंड कैन नॉट से. एक जरा सी गलती से कोई बहुत बड़ा पैराडॉक्स क्रिएट हो सकता है जो आपकी और मेरी दोनों की टाइमलाइंस में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है. तुम्हारी बातों पर यकीन करना वाकई बहुत मुश्किल है मेरे लिए लेकिन यह भी सच है कि तुम्हारा यहाँ आना और उस इन्विटेशन के बारे में बात करना जो कि अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है. Well, I cannot take the burden of proof in this case, sir. मुझे आपको अपने टाइम पीरियड पर्पस ऑफ विजिट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या फ्यूचर से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन देने की परमिशन नहीं है. सो इफ यू cannot disprove that I'm a time traveler, I think you should accept it as a fact and let's get this party started. एक तरीका है तुम्हारी बातों को साबित करने का. एक फूल प्रूफ तरीका. मैं अभी आता हूं. ये बॉक्स फैसला करेगा कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ.
सर ये क्या है? इसमें मेरी सबसे कीमती चीज है वीणा, एक ऐसी चीज जिसके बारे में मेरे सिवा और कोई नहीं जानता, तुम भी नहीं। तुम मुझे बताओगे कि इस बॉक्स में क्या है? I'm sorry सर, मैं कोई माइंड रीडर या मैजिशियन नहीं हूं, मैं आपको कैसे बता सकता हूं कि इस बॉक्स में क्या है? I don't get it सर, अगर हम मान भी ले कि ये टाइम ट्रैवलर है तब भी ये कैसे बता सकता है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है? क्योंकि इस बॉक्स में क्या है इसने उस इनविटेशन में पढ़ा होगा जिस इनविटेशन को पढ़कर ये यहां आया है। बट सर उस इनविटेशन के ड्राफ्ट में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। नहीं था बट अब होगा। डोंट फॉरगेट वीणा कि अभी तक वो इनविटेशन पब्लिश नहीं हुआ है, वो पब्लिश होगा कल, और अब हम उसमें एक कोड वर्ड ऐड करेंगे और वो कोड वर्ड होगी वो चीज जो इस बॉक्स के अंदर है। अगर ये वाकई में उस इनविटेशन को पढ़कर यहां आया है तो इसे मालूम होना चाहिए कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। तो बताओ मिस्टर TA229, इस बॉक्स में क्या है? देखिए सर, आपने मुझे एक पार्टी का इनविटेशन दिया था, मगर ये पार्टी से ज्यादा इंटरोगेशन होता जा रहा है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मुझे आपसे बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन शेयर करने की परमिशन है। एक जरा सी गलती से कोई बहुत बड़ा पैराडॉक्स। ओह शट अप! पैराडॉक्स का मतलब भी जानते हो तुम? अगर मैं समय में पीछे जाकर अपने दादाजी की हत्या कर दूं तो मैं पैदा कैसे होऊंगा, और अगर मैं पैदा ही नहीं होऊंगा तो उनकी हत्या कैसे करूंगा? यह पैराडॉक्स है। अगर किसी खूनी को टाइम ट्रैवल करके खून करने से पहले ही पकड़ लिया जाए तो क्या वो खूनी कहलाएगा, और अगर नहीं तो उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जाएगा? यह पैराडॉक्स है। इस बॉक्स में क्या है यह बताने से ऐसा कौन सा पैराडॉक्स क्रिएट हो सकता है जो हमारे स्पेस टाइम के फैब्रिक में हड़कंप मचा देगा? बताओ मुझे। लेकिन सर आप खुद ही तो कहते हैं कि एक टाइम ट्रैवलर को फ्यूचर इवेंट्स के बारे में नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए, तो इस बॉक्स को खोलने के बाद इसमें से क्या निकलेगा ये जानते हुए भी हमें कैसे बता सकता है? उसी तरह है जिस तरह इसने हमें बताया कि इनके युग में पार्टीज बहुत लाइवली होती हैं, इनके युग में लोग सिगरेट नहीं पीते, इनके नेविगेशन सिस्टम से बहुत एडवांस्ड हैं, इनके यहाँ लोग कागज का इस्तेमाल नहीं करते प्रिंटिंग में वगैरह वगैरह। इस तरह की मनगढ़ंत बकवास कोई भी बना सकता है। इस बॉक्स में जो है वो अब है, इसी वक्त, एट प्रेजेंट टाइम, और उसके बारे में बताना फ्यूचर के बारे में बताना नहीं है, समझे? तो बताओ मिस्टर TA229 क्या है इस बॉक्स में? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। I'm sorry सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। Get out. Get out of my house. ना कौन था यह आदमी? मैं पूछता हूं कौन था यह आदमी? इस इनविटेशन के बारे में सिर्फ मैं और तुम जानते थे। सच बताओ वीणा, कौन था यह आदमी? तू कर मेरा, तू मेरी
मेरी जान, तू मेरी जान, तू मेरी शान, तू मेरी शान, तुझसे ही मैं, तुझसे ही मैं, तुझमे ही मैं, तुझमे ही मैं, हम में है दम, हम में है दम, क्योंकि हम हैं सक्षम। Veena, are you sure about this? I mean, you do realize that this is a little crazy. I don't understand is sabki zarurat kya hai? Tu hamesha se is research se bahar nikalna chahti thi, NASA mein internship karna chahti thi. Now you have that in your pocket. Why do you need to play this game? Just let the old man be. Nahi Sami, sir ne mere liye bahut kuch kiya. Dad ke jaane ke baad मुझे स्कॉलरशिप दिलवाने से लेकर मुझे और मॉम को दिल्ली में सेटल करवाने तक मुझे पूरी फ्रीडम दी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने की. इनफैक्ट नासा के इंटरव्यू की प्रेपरेशन भी उन्होंने ही करवाई. बट नाउ ही इज लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ हिज ओन ड्रीम्स. उनको अभी भी ऐसा लगता है कि हम ये टाइम ट्रैवल की मिस्ट्री को क्रैक कर पाएंगे. मैं जानती हूँ ऐसा नहीं हो सकता. He doesn't have much time left with him. शायद कुछ हफ्ते बस. मैं चाहती हूँ कि वो इस दुनिया से थोड़ी होप लेके जाए. छुट्टी ही सही. He's never lived a peaceful life, Simi. At least he deserves a peaceful death. Look, I understand. Anyway, एक आदमी है जो आई थिंक इज परफेक्ट फॉर वॉट यू नीड. देख हमने साथ में बहुत प्लेस किए हैं एंड ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर एंड अ वेरी डियर फ्रेंड. मैं एक काम करती हूँ, मैं तुझे उसका एड्रेस देती हूँ, तू शाम को उससे जाके मिल एंड आई विल कॉल हिम अप एंड लेट हिम नो दैट यू आर कमिंग. आई थिंक ही विल बी एबल टू पुल दिस ऑफ. हिज नेम इज साहिल. साहिल रसोगी. साहिल रसोगी, यू मस्ट बी वीना. प्लीज कम इन. Would you please not light that? I'm allergic to smoke. Oh. Oh. I must say, Veena ji, मेरे इतने सालों के acting experience में इस तरह का कोई assignment कभी नहीं है. Interesting. देखिए Mr. Rastogi, I know this is a strange request. पर जिनके लिए आप ये करने जा रहे हैं वो मेरे फादर की तरह हैं. एंड ट्रस्ट मी, मैं आपसे कोई गलत काम नहीं करवा रही हूं. ओह नॉट एट ऑल. एंड प्लीज कॉल मी साहिल. देखिए वीना जी. वीना. राइट वीना. सिमी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है एंड एनी फ्रेंड ऑफ हर्स इज अ फ्रेंड ऑफ माइन. आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली एंड आई विल डू इट. Thank you so much, Sahil. You don't know what this means to me. मैंने ये file prepare की आपके लिए. इसमें कुछ basic information है और कुछ website links है,
फॉर सम थियोरीज. इसमें इनविटेशन की डिटेल्स भी हैं. आई नो आपके पास टाइम थोड़ा कम है, बट आई एम रियली रिलाइंग ऑन यू टू पुल दिस ऑफ. Are you sure you can do this? Veena, दूसरों के बनाए हुए किरदारों को जिंदा करना मेरा काम है. इस कहानी की राइटर भी आप हैं, डायरेक्टर भी आप हैं. आपने अपना काम कर दिया है, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा. डोंट वरी, मैं रात भर पढ़ाई करूंगा और कल सुबह फेल नहीं होगा. इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा वीणा, इस खेल के जरिए क्या साबित करना चाहते रही तुम? सॉरी सर, मैं बस आपको थोड़ी सी होप देना चाहती थी. होप देना चाहती थी तुम मुझे? अरे जिन थ्योरीज के सच में तुम्हें खुद कोई होप नहीं है, उसमें मुझे क्या होप दोगी तुम? ऐसा नहीं है सर. ऐसा ही है. ऐसा नहीं होता तो तुम ये रिसर्च बीच में छोड़कर नहीं जाती, मेरे मरने के बाद इस काम को आगे बढ़ाती. लेकिन तुम तो खुद जानती हो कि मेरी थ्योरीज बकवास है, बकवास. तुमने मुझे कोई होप नहीं दी वीणा, तुमने मेरा मजाक उड़ाया है. होप किसे कहते हैं जानते हो तुम? होप दी थी मुझे मेरे पिताजी ने. बहुत गरीब आदमी थे वो, खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मुझे पढ़ाया, एक सपना दिखाया कि मैं कुछ कर सकता हूं. जानती हो इस बॉक्स में क्या है? जानना चाहती हो? मेरे बचपन का पहला और आखिरी खिलौना जो मेरे पिताजी मुझे खरीद कर दे पाए, जिसे लेकर मैंने पहली बार आसमान में तारों को करीब से देखने की कोशिश की, उनके अतीत में झांकने की कोशिश की. ये दूरबीन, दिस वॉज होप, 30 ब्रास बाइनोकुलर्स पर होप. अच्छा लगा आपसे मिलकर, वाज नाइस मीटिंग यू. वैसे आप कभी थिएटर देखते हैं? नहीं. You should come and check out one of my plays sometimes. अगले महीने मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग प्ले कर रहा हूँ. It's a very touching story about a father and son. It's called Brass Binoculars. What's inside the box? You knew. तुमने प्रोफेसर को बताया क्यों नहीं? I knew. But जिस एक्टर को आप यहाँ लाने वाली थीं, he didn't know. इस सेटअप के रूल्स आपके बनाए हुए थे. मैं इस सेटअप से बाहर कुछ नहीं कर सकता था. You're not the actor. You're not Sahil Rastogi. You think? What have you done to him? Don't worry, he's fine. But the professor needs to know the truth. He needs to know. No, he doesn't get to. That's not how it happens. What are you talking about? अगर तुम्हें प्रोफेसर को सच बताने नहीं था तो तुम आए क्यों यहाँ? मैं यहाँ प्रोफेसर के लिए नहीं आया था मैम, मैं आपके लिए आया था. I've come here to give you what you wanted to give him. Hope. You need to tell the professor everything. Come with me. The professor is gone. What?
जानती हो वीणा, समय सेंट क्लॉक की रेत की तरह है। ये अतीत है तो ये भविष्य, ये रेत बहती हुई अतीत से भविष्य तक जाती है। अगर इस सेंट क्लॉक को उल्टा कर दो तो यही रेत बहती हुई भविष्य से अतीत तक आती है। अतीत क्या है और भविष्य क्या, इसका फैसला ये रेत नहीं करती, इसका फैसला तो हम करते हैं अपने नजरिए से। ये रेत तो सिर्फ बहती है। साहिल रस्तोगी, यू थिंक व्हाट हैव यू डन टू हिम? हाय, सॉरी मुझे ये करना पड़ा। एक्चुअली तुम्हें सोना था बट तुम जाग गए एंड आई हैड टू डू दिस। मैं तो एक्चुअली तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूं। यू विल बी अ बिग स्टार वन डे, आई कैन गारंटी यू दैट। बस ये थोड़ा पीना बंद कर दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ फिल्म मैगजीन्स लाया हूँ टू पास द टाइम, सो देयर यू गो। तो मैं चलता हूँ। आई रियली विश आई कुड टेक एन ऑटोग्राफ बट ओके नेवर माइंड। सो ओके बाय, टेक केयर।